तो अभी के लिए तो मौसम सही है, बट तो फाइनली हम मॉल रोड पहुंच गए और भाई यहाँ पे ना लाइट्स नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है भाई। लकड़ियाँ फाड़ने का काम मैंने दिया है इसको, यही कर सकता है, मेरे से नहीं चलेगी ये। अभी आप मेरे पीछे डुमा माता मंदिर के लिए जो सीढ़ी जाती हैं और ये उल्डू मनाली के रास्ते के लिए निकलती हैं, जो तो जो लोग हैं उनको पता है। तो यहाँ पे ना एक छोटी सी नीचे उतरती मार्केट होती, मतलब 15-20 शॉप हैं जहाँ पे आप खा पी सकते हो, चाय पी सकते हो। तो अभी देखो इधर सब बंद हो रखा है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई इधर। वहाँ से वो वाली स्टेयर्स हैं वो आती हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर कैफेज, खाने पीने की चीज़ें जितनी शॉप्स हैं ना सारी हुई हैं, बट अभी सब बंद कर रखा है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा है अभी। ये कैफे था यहाँ पे, ये भी बंद कर रखा है, तो ये मोस्टली सब बंद हो रखा है। और ये देखो मेरे पीछे ना, तो ओल्ड मनाली से ना पूरा बंद ही पड़ा है। एक दो कैफे हैं इनके, मतलब लाइट्स जली हुई हैं, अदरवाइज यहाँ मतलब सुबह से क्या रात को 3 या 4 बजे से ना हम पूरे मनाली में इधर आसपास लाइट ही नहीं है, तो इधर भी अंधेरा हो रखा है, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। तो हमने ओल्ड मनाली बंद पड़ा है पूरा, मोस्टली 95% बंद है। तो हमने सोचा मॉल रोड की तरफ मुड़ जाते हैं, तो उधर जा रहे हैं अभी हम। हर जगह लाइट ही नहीं है, यहाँ पे अंधेरा ही हो रखा है। और ये देखा यहाँ पे एक होटल है, उसमें बस उनका जनरेटर वगैरह होगा, गेस्ट होंगे, जला रखा है और कुछ भी नहीं है, अंधेरा हो रखा है पूरा। तो जल्दी से ना रोशनी वाली जगह पे चलते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे ना ये विस्परिंग इन करके जो होटल है, तो इधर फिर भी लाइट्स हैं इनके जनरेटर वगैरह से जो जल रही है। और फिर रोड थोड़ा स्लिपरी हो गया यार यहाँ पे ना, मैं 3-4 बार खुद गिर गया, पर पैर स्लिप हो रहे हैं इधर बहुत ज़्यादा ही। हालत होती है आपकी, अगर आप बाइक लेके आते तो 4x4। तो अभी के लिए तो मौसम सही है, बट मेरे ख्याल से 1-2 घंटे बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स सी, वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग तो है अभी थोड़ा 1-2 घंटे बाद ना, फिर पूरी रात होगी, देखते हैं। पर अभी बहुत हो गई है, तो अभी जा रहे हैं हम मॉल रोड, फिर मॉल रोड पे थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम घर निकलेंगे। फिर से अंधेरा चालू हो गया, फिर आगे मिलता हूँ। तो फाइनली हम मॉल रोड पहुँच गए और भाई यहाँ पे ना लाइट्स नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है। तो यहाँ पे सबके जनरेटर हैं, वही चल रहा है, बाकी कहीं भी लाइट नहीं है। और लोग इतने नहीं दिख रहे हैं, उसके पीछे रीज़न भी यही है कि मोस्ट ऑफ द शॉप्स ना, जितनी भी जगह पे इन्वर्टर या कुछ कोई जुगाड़ नहीं है लाइट का, तो उनकी दुकानें बंद हैं, लाइट्स नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो भीड़ कम है, तो कुछ लोग अभी स्नो की वजह से अपना टाइम पे शायद पहुँच चुके घर पर ना। भीड़ इतनी नहीं है इधर ना, थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है। मुझे लगा क्राउड होगा।
एक्स्ट्रा का गया। अच्छा सब्जी ले रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है 2 फेब, और चमत्कार देखो, थोड़ी सी धूप आ गई है। मुझे नहीं चाहिए थी पर फिर भी आ गई है। बट अभी ये 4 बजे तक की धूप है, बहुत तेज़ चुभ रहा है, सब कुछ वाइट वाइट हो रखा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार ना। तो अभी सुबह से धूप निकली हुई है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लग गई है स्नो ना, जो छत पे स्लोप्स पे टिकी हुई थी। तो ऊपर बहुत सही दिख रहा है अभी ना, धीरे 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 वहां पे भी पेड़ों से गिर रही है, पर इतनी जमी हुई है तो इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। पर शाम का मौसम हो जाएगा तो वैसे टिकी रहेगी। और यहाँ पे भी ये वाला तो गिर गया मेल्ट होके ना, ये बहुत सही। कल से वेट कर रहे हैं हम। और ये देखो इधर पूरा फ्रंट देखो, क्या सही लग रहा है ना ऊपर तक। उसके बाद में प्रॉपर्टी पे जाएंगे थोड़ा सा, वहाँ पे भी ना क्लीनिंग करनी है। उसके बाद में फिर देखते हैं क्या करना है। तो आज मुझे भी नहीं पता क्या करना है, तो चाय वह पी लेते हैं, उसके बाद निकलता हूँ, फिर दिखाता हूँ थोड़ा जो भी है। ओए लकड़ियाँ फाड़ने का काम मैंने दिया है इसको, यही कर सकता है, मेरे से नहीं चलेगी ये, समझ रहे हो ना क्यों। हाँ ये पैर तो तोड़ सकता हूँ, ये मैं पैर से तोड़ सकता हूँ ऐसे करके। तोड़ देते हैं। सुबह लकड़ियां काट ली हैं, कल्टे में डाल दी हैं, राहुल लेके जा रहा है।